इन दिनों बीकानेर की शेरनी का जिक्र हर जगह छाया हुआ है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बनी रहने वाली मशहूर बीकानेर की शेरनी अब पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे। आखिर कौन है ये बीकानेर की शेरनी और क्यों पहुंची सलाखों के पीछे, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि पुलिस अब आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों के ठिकानों पर ही दबिश नहीं देती, बल्कि ऐसे लोगों के वर्चुअल ठिकानों का भी पता रखती है। यही वजह है कि शेरनी की दहाड़ अब आंसुओं की धार में तब्दील हो गई है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया मुझे बुरा समझती है तो आई डोंट केयर, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने। पहले दिखा रही थी हेकड़ी। कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस वालों ने भी पैसे ले रखे मुझे सोने से और एसएस राइगर से, ने आज तक एसएस राइगर को नहीं पकड़ा। अब क्यों गिड़गिड़ा रही है बीकानेरी शेरनी की दहाड़, क्यों वही आंसुओं की धार? सोशल मीडिया पर ओ बीकानेरी है प्रधान, आ बीकानेर की शेरनी और आ बीकानेरी गर्ल बोल बोल कर सोशल मीडिया पर फेमस हुई बीकानेर की 21 साल की युवती मोनिका राज पुरोहित। कल तक अपनी दबंग वीडियोस के लिए मशहूर रही, वो आज कैमरे पर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, अपनी सफाई दे रही है। दरअसल लाखों फॉलोअर्स वाली ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आज पहुंच चुकी है सलाखों के पीछे। दरअसल बीकानेर की JNVC थाना पुलिस ने दो लड़कियों को पकड़ा। इन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशीले पदार्थ के प्रचार का आरोप है और अब सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाली ये लड़कियां पुलिस गिरफ्त में भीगी बिल्ली बनती नजर आ रही हैं। इन लड़कियों ने अफीम के साथ मोबाइल रील बनाकर शेयर की, जो वायरल भी हो गई। फिर क्या था, पुलिस की भी इस पोस्ट पर नजर पड़ी। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को हवालात के पीछे पहुँचा दिया। पुलिस ने नशीले पदार्थ का रील बनाकर मोबाइल पर प्रचार करने के आरोप में दोनों लड़कियों को पकड़ा है। इनके पास से डोडा बरामद होने की बात भी सामने आई है। दोनों की वीडियो के आधार पर उनके घर पर जांच की तो पुलिस को नकली पिस्टल और डोडा पोस्ट बरामद हुआ। सोशल मीडिया पे भी हम क्या करते हैं उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी हमारी होती है। किसी भी तरीके की ऐसी प्रस्तावना जिससे लोग बरगलाए जा सकें, कोई अफवाह फैलाना एक कानूनन अपराध है और उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके के नशे का प्रचार करना या हथियारों को लहराना भी एक दंडनीय अपराध है। हालांकि बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस एक्शन के बाद बीकानेर की शेरनी के नाम से मशहूर लड़की ने एक और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें उसने बीकानेर की पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगाया। लड़की ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप मढ़ दिया और अपने फैंस से उसे और उसके परिवार को बचाने की गुहार लगाई। देखिए जरा, दोनों पुलिस वालों के पास और मेरे को इतना गंदी तरह मार के मेरे पासवर्ड खुलवाए, फोन दोनों फोन के लोग खुलवाए मेरे से, वहाँ पे इतना गंदी तरह मारा, मैंने हाथ भी जोड़े उनके फोन। सुना आपने, युवती कह रही है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि उसे मरना पड़ेगा, लिहाजा उसे बचा लो। वही पुलिस उसे कानून का गुनहगार बता रही है, क्योंकि वीडियो में जिसे युवती काला गुड़ बता के इतरा रही थी, उसे चाट के दिखा रही थी, वो असल में अफीम थी। पुलिस को उनके घर से 200 ग्राम डोडा मिला। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन ये घटना सबक है रील्स के उन दीवानों के लिए जो लाइक्स पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के जुनून से गुरेज नहीं करते हैं। रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।